The Chief Minister Narendra Singh Modi is speaking. Let's listen in. तुम्हें जो मांगना है काली के पास मांगो और विवेकानंद जी काली के पास गए, माता काली के पास खड़े रहे लेकिन कुछ नहीं मांगा। घंटों लेकर मां को देखते रहे लेकिन कुछ नहीं मांगा। वो रामकृष्ण देव के पास गए, रामकृष्ण देव ने कहा तुमने कुछ मांगा? उन्होंने कहा नहीं मांगा। बोले मांगने के लिए तो गए थे, दोबारा जाओ, दोबारा भेजा, कुछ मांगे बिना फिर वापिस आया। वो नरेंद्र नाथ थे, वो स्वामी विवेकानंद थे, वो दिव्य आत्मा थे, वो काली के पास गए कुछ भी मांगे बिना लौट आए। ये नरेंद्र तो एक सामान्य इंसान है। आपके जैसा एक सामान्य इंसान है, मैं आज काली के चरणों में आया हूं, लेकिन मैं विवेकानंद जी की तरह बिना मांगे लौटने वाला नहीं हूं। वो तो दिव्य आत्मा थे, मैं एक सामान्य इंसान हूं। मैं काली से मांग रहा हूं कि हे मां, मेरे गुजरात पर इतने आशीर्वाद बरसाओ कि मेरे 6 करोड़ गुजराती सुखी और समृद्ध हो। मां काली, मेरे गुजरात पर ऐसे आशीर्वाद बरसाओ कि मेरे राज्य में कभी अकाल न हो। मां काली, मेरे गुजरात पर ऐसे आशीर्वाद बरसाओ कि मेरे गुजरात में कभी कोई प्राकृतिक आपदा न हो। मां काली, मेरे गुजरात पर ऐसे आशीर्वाद बरसाओ कि यहां का जन जन भाईचारे से जिए, शांति एकता सद्भावना का मंत्र लेकर के गुजरात को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वो निरंतर योगदान देता रहे। शिक्षा सुलभ हो, आरोग्य हो, मेरी माताएं गौरव के पास आ जी सके ऐसा अवसर हो, मां काली मेरे गुजरात को यही चाहिए, हमारे और कोई मांग नहीं। अगर मैं मांगता हूं तो मां मेरे गुजरात के लिए मांगता हूं, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मां भाई बहनों, आज विश्व कन्या दिवस है, बेटी के गौरव का दिवस है आज, और मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी मात्रा में सब साध्वी संत यहां उपस्थित है और गुजरात इस बात के लिए गर्व करता है। जब 2001 का सेंसस आया और 2004 में मुझे पहली बार पता चला कि हमारे गुजरात में बेटे की तुलना में बेटी की संख्या कम है, मेरे पास आंसू के सिवाय कुछ नहीं था। क्या पढ़ा लिखा समाज मां की गोद में ही बेटी को मार दे? मां काली को विराती हो, मां अम्मा को विराती हो, मां बहुचर को विराती हो, और मेरे गुजरात में जैसे जैसे शिक्षा बढ़े वैसे वैसे मां के गर्भ में बेटी को पाप मारने का पाप बढ़े, ये तरंग है, ये समाज को शोभा नहीं देता है। और इस बात को लेकर के 2005 से एक जनचेतना प्रारंभ की। मां काली तेरे चरणों में आज निवेदन करता हूं। हमें बड़ा संतोष है, बड़ा गर्व है कि मेरे गुजरात की माताओं ने, मेरे गुजरात के पुरुषों ने इस पाप को समझ में
एक दर्द महसूस किया और मेरे गुजरात में मां के गर्भ में बच्चियों को मारना अब सबको पाप लगने लगा है और मेरे राज्य में बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी है। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, मां काली के आशीर्वाद से कहता हूं, आने वाले कुछ ही समय में वो दिन दूर नहीं होगा जब मेरे राज्य में 1000 बेटे जन्म लेते होंगे तो सामने 1000 बेटी भी जन्म लेती होगी। भाई बहनों, मैं जब 2001 में आया था, आज 11 साल की यात्रा पूर्ण हो चुकी है और 11 साल की यात्रा पूर्ण हुई और 11 साल में एक काम के लिए मेरा लगाव था और वो था मेरे गुजरात की बेटी पढ़ाई करे। मैं गांव गांव गया, जून महीने की 44 डिग्री ताप में मैं गांव में भटकता था, मेरे मंत्री मेरे साथ करते थे, आईएएस अफसर गांव की बेटी खा रहे थे, घर घर गए और मां को समझाया कि बेटी को पढ़ाई करनी चाहिए और माताओं ने मेरी बात को माना और माताओं ने इस बात को माना। आज मेरे संतोष का विषय है, मां काली तेरे चरणों में निवेदन करता हूं कि आज मेरे गुजरात में 100 में से 100 बच्चियां स्कूल जाना शुरू किया है। भाइयों बहनों, मुझे पिछली सरकारों के पाप धोने में इतना टाइम लगा है, मेरी इतनी शक्ति लगी है, आपको हैरानी होगी, 50 साल से कांग्रेस राज कर रही थी देश में राज्य में, लेकिन उनको इतना पता नहीं था कि स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए भी टॉयलेट होना चाहिए, उन्होंने नहीं बनाया था। भाई जो बहनों, मैं कह रहा हूं ना, मुझे 50 साल के घटे भरने में टाइम गया, वो ये काम मुझे करना पड़ा कि पूरे राज्य में 60,000 टॉयलेट बच्चियों के लिए मैंने अलग बनाए। ये काम वो कर सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं था कि इन बच्चियों की शिक्षा की भी चिंता करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मेरे लिए पीड़ा का विषय है, मैं जो कहता हूं कि 50 साल के घटने मैंने पड़े हैं, मेरे उम्र गांव से अंबाजी तक का मेरा आदिवासी भाई अनामत के लिए तो झगड़े होते रहते हैं, आरक्षण के लिए झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इन कांग्रेस वाले मित्रों को यह समझ नहीं आया कि उम्र गांव से अंबाजी तक 40 तहसीलों में 12वीं कक्षा की साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी। ये मेरे रमन सिंह जी को आश्चर्य होता होगा, मनोहर जी को आश्चर्य होता होगा, 2001 तक जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना, मेरे राज्य में आदिवासी क्षेत्र के 40 तहसील रहते थे जहां पर विज्ञान प्रभाग की स्कूल नहीं थी। अरे डूब मरो मेरे कांग्रेस के मित्र, डूब मरो, आपने मेरे आदिवासियों के साथ कितना घोर अन्याय किया, कितना घोर अन्याय किया। अगर वो 12वीं कक्षा में विज्ञान प्रवाह में नहीं है, वो इंजीनियर कैसे बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा, वो अपने सपने पूरे कैसे करेगा। भाइयों बहनों, 11 साल में उस सपनों को मैंने पूरा किया, दिल में दर्द रहता है गरीबों के लिए, एक कीड़ा रहती है मेरे दलित शोषित गिरिजनों के लिए। मेरी माताएं हमारे देश में चर्चा होती है, IMR और MMR की, प्रसूति में मरने वाली मां की, प्रसूति के तुरंत बाद मरने वाले बच्चे की, लेकिन राष्ट्रपति से लेकर के गलीपति तक किसी ने समस्या का समाधान नहीं खोजा। 11 साल का हिसाब दे रहा हूं, मां काली तेरे चरणों में सच्चाई के साथ बोलने आया हूं आज, और मैं कहता हूं मां कि मेरे राज्य के लाखों बहने इसलिए मरती थी, प्रसव की पीड़ा होती थी, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता था और सिवाय मौत उसके नसीब में कुछ नहीं था, उन माताओं बहनों की जिंदगी कौन बचाएगा। भाइयों बहनों, देश में पहली बार हम चिरंजीवी स्कीम लाए और उस चिरंजीवी स्कीम ला करके और जिसको एशिया का इनोवेटिव अवार्ड मिला है, जिसको WHO ने विश्व के डेवलपिंग कंट्री को कहा है कि गुजरात से सबक सीखिए, मैंने हर गरीब मां को, सभी आदिवासी माताओं को कहा कि मां
अगर तुम्हें प्रसव पीड़ा होती है तो डॉक्टर के पास चले जाना, खर्च मैं दूंगा। और आज लाखों के तादाद में मेरी माताओं की प्रसूति अस्पताल में होती है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, मुझे पीड़ा होती है समाचार देते समय, जब आप लोग शासन कर रहे थे मेरे गुजरात में सिर्फ 45% माता ऐसी थी जिनकी प्रसूति डॉक्टर के पास होती थी। 55% माता ऐसी होती थी जो घर की गंदगी के बीच पार को जन्म लेती थी। आज मैं गर्व से बात कहता हूं कि दाहोद जैसे जंगलों में बसने मेरे आदिवासी भाइयों तक की आज अस्पताल में प्रसूति करीब 98% पहुंची है, 98% पहुंची है। मुझे संतोष इस बात का है कि मैंने लाखों माताओं की जिंदगी बचाई है। मुझे संतोष इस बात का है जन्म लेते ही मरने वाले हजारों बच्चों की जिंदगी मैंने बचाई है। मां काली, मेरे आशीर्वाद के कारण ये जीवन रक्षा का कार्य करना मेरे से संभव हुआ है। माताओं बहनों, आज मैं आपको हिसाब देना चाहता हूं, 11 साल का दौरा देना चाहता हूं। इसी पावागढ़ में मैं आया था, आपको याद होगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति को लेकर के आया था चापानेर में, और उस दिन मैंने हिंदुस्तान में एक नए इतिहास को कायम किया था। वो दिन था, उस समय पंडित नवल किशोर शर्मा जी भी महामहिम उस समय थे, वो हमारे साथ थे। दो दिन पूर्व ही उनका निधन हो गया। उनकी उपस्थिति में अब्दुल कलाम जी ने इस देश को गुजरात 24 घंटे बिजली वाले गुजरात को अर्पित किया था। वो समय था शाम को खाना खाते समय बिजली नहीं, वो दिन थे गुजरात में बिजली मुहैया नहीं होती थी। आज मैं गर्व से कहता हूं, जब पूरा हिंदुस्तान 60 करोड़ जनता अंधेरे में डूबी हुई थी, देश के 19 राज्य अंधेरे में तड़प रहे थे, उस समय एक अकेला गुजरात था जहां बिजली का चमकारा चल रहा था और पूरा विश्व परेशान हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं आज सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और कभी न कभी भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये चाइना पूरे विश्व के सामने अपने शंघाई को प्रस्तुत करता है और पूरे विश्व को शंघाई दिखाकर के आकर्षित करता है। हर देश की एक स्ट्रेटेजी होती है, उसका सबसे विकसित इलाका होता है, पूरे विश्व को वहां से ले आते हैं। आप जापान जाएंगे वो टोक्यो को दिखाते हैं और जापान की ओर आपको आकर्षित करते हैं। सारी दुनिया में होता है। अरे प्रधानमंत्री, आज आप मुसीबतें भोग रहे हो, आपने गुजरात को भी हिंदुस्तान का हिस्सा माना होता, गुजरात को भी आपने अपना माना होता, तो दुनिया से आने वाले मेहमानों को आप गुजरात ला करके गुजरात दिखा दे और पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ा दे। 12 साल हो गए भाई, 8 साल से दिल्ली में सरकार बैठी है, विदेश के कोई मेहमान को गुजरात की धरती पर आने नहीं दिया जाता। और तब जाकर के हमने बीड़ा उठाया, हम दुनिया को ले आएंगे। दिल्ली सरकार की मदद के बिना उठाया, और मैं गर्व से कहता हूं, कभी दिल्ली के अंदर एक मंच पर, कभी दिल्ली में एक मंच पर 100 से अधिक देशों के लोग इकट्ठे नहीं हुए। मेरे वाइब्रेंट गुजरात समिट में मां काली के आशीर्वाद से 120 देशों को इकट्ठा किया था और दुनिया के देशों को गुजरात की धरती पर लाया था। लेकिन यही काम अगर दिल्ली की सरकार हमारे साथ होती तो कितना दुनिया में हमारा देश का नाम रोशन होता, और आज आपको जो मुसीबतें आ रही है वो नहीं आती। भाइयों बहनों, आज 11 अक्टूबर है, जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है, और यही जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने 1975 में गुजरात में जो नवनिर्माण आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया, गुजरात के छात्रों ने जो आंदोलन चलाया और जन आंदोलन के माध्यम से एक भ्रष्ट सरकार को परास्त किया था, आज देश को एक और जयप्रकाश की तलाश है। आज देश को एक जयप्रकाश की और जरूरत है, ताकि जिस प्रकार से दिल्ली भयानक भ्रष्टाचार में डूबा है, उस दिल्ली को
दिल्ली को सबक सिखाने के लिए पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बनाने की आवश्यकता है। भाई बहनों, आज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे रहा है पुरस्कार, 10 साल से उन्होंने निर्णय किया था कि हम गुजरात से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे। आज गुजरात में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट किसी का है तो ब्रिटिश का है, और ब्रिटिश ने कहा तो फिर यूरोप ने कह दिया कि हम भी नाता नहीं रखेंगे। 10 साल से वो हमारे से नाता नहीं रखते थे, आज उनको समझ आया है कि गुजरात का महत्व क्या होता है। दिल्ली के मनमोहन सिंह जी को समझ आए या ना आए, लेकिन ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया है और उन्होंने गुजरात को गले लगाना तय किया है। मैं स्वागत करता हूं उनके निर्णय का, और मैं विश्वास जताता हूं दुनिया को गुजरात और पूरा यूरोप मिलकर के विश्व कल्याण के काम में कोई कमी नहीं रखेंगे, दुनिया में प्रगति के काम में हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों, बहुत लंबे अरसे से सभा चल रही है, इसलिए मैं भी आज आपका समय लेना नहीं चाहता हूं। चुनाव की चर्चा मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है गुजरात की जनता ने भव्य दिव्य गुजरात निर्माण करने का फैसला कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैडम सोनिया जी 500 बार आएगी, ये गुजरात को जीत नहीं सकती है। गुजरात भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं जा सकता, गुजरात को अपहरणकारियों के हाथ में नहीं जाता। और भाइयों बहनों, आपने इतनी बड़ी मात्रा में आकर के इस पूरी यात्रा में मेरा जो स्वागत किया, सम्मान किया, मैं सबका आभारी हूं। भाई बहनों, 11 साल में आपने जो हमें साथ दिया, सहयोग दिया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, एक नारा आप बोलना है दोस्तों, मेरे साथ एक नारा बोलेंगे, झांसी की रानी। ये झांसी की रानी ने अंग्रेज सल्तनत को कहा था कि मेरी झांसी नहीं दूंगी। भाई बहनों, मेरे साथ मदद कीजिए, झांसी की रानी ने कहा था मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज 6 करोड़ गुजरातियों की आवाज है कि भ्रष्टाचारियों को हमारा गुजरात नहीं देंगे, बिहारों को गुजरात नहीं देंगे। मेरे साथ बोलिए नारा, मैं बोलूंगा नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप बोलेंगे हमारा गुजरात नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। लोग मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलो, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, इन भ्रष्टाचारियों को नहीं देंगे, नहीं देंगे, बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे, को भंग करने वालों को हमारा गुजरात, को भंग करने वालों को नहीं देंगे, नहीं देंगे।